Adulta de spectrum a Ains plus Zeitenummer 26, Page Nummer 26. Abschlusstest. Abschlusstest, Final Test. इस बुक में हर चैप्टर के एंड पे आपको एक टेस्ट मिलता है. तो चैप्टर वन चूंकि कंप्लीट हो चुका है तो चैप्टर वन का टेस्ट ये है पेज 26 पे. फाइनल टेस्ट कंप्लीशन पे जो टेस्ट है क्लाइन अबश्लुस टेस्ट. क्लाइन कहते हैं स्मॉल छोटा एक मुख्तसर सा टेस्ट है. वस क्यों जिशोन टेस्ट एंड जिश सेल्फ. आप ऑलरेडी क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ सीख चुके हैं, आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है, अपने आप को टेस्ट करना है. टेस्ट यानी अपना टेस्ट खुद और देखें कि आपको कितनी चीजें समझ आती हैं. राइट कॉर्नर पर लिखा है माइन एग्जाम्प लाइस्टोन. लाइस्टोन कहते हैं परफॉर्मेंस को. एग्जाम्प लाइस्टोन यानी आपकी मजमुई तौर पर क्या परफॉर्मेंस है, यानी मार्क्स की शेप में 20 में से आपके टोटल कितने मार्क्स आते हैं. फर्स्ट टेस्ट का पार्ट वन जो है एक्सरसाइज वन है बस फर्स्ट यानी क्या सूट करते हैं, क्या फिट आर अगेंस्ट, ये आपने कंप्लीट करना है. ये बाइशपील दी गई है हाइस्ट हाइसन और हाइसे, यानी तीन ऑप्शंस हैं और आपने बताना है ब्लैंक में इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज होगी. वी हाइसन जी, जी की वजह से आपने हाइसन लगाना है. ओके नंबर आइंस माइन नामे डैश क्रिस्टियान. अब माइन नामे इस क्रिस्टियान, माइन नामे बिन क्रिस्टियान और माइन नामे जिन क्रिस्टियान. तो आपको पता है जब नाम बताते हैं तो माइन नामे इस्ट कहते हैं, यहाँ पे इस्ट आना चाहिए. बिन सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब सब्जेक्ट में यहाँ पे इश लिखा होता, इश बिन, और इश नहीं है तो फिर बिन भी नहीं आ सकता. और जेंट तब आता है जब चीजें एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, जबकि नामे एक नाम है तो इस वजह से ये भी सिंगुलर है, इस आएगा. सेकंड तीन ऑप्शन है वी वो और वो हेयर, ये तीनों क्वेश्चन वर्ड्स हैं, सवाली अल्फाज हैं. और क्वेश्चन क्या है कॉम्स डू, यानी कॉम्स टू के साथ कौन सा क्वेश्चन वर्ड सूट करता है, वी वो या वो हियर. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो हेयर आएगा, वो हेयर कॉम्स टू, क्योंकि कॉमन के साथ हम वी या वो नहीं लगा सकते, वो हेयर आना चाहिए. या आप कहाँ, तुम कहाँ से हो, कहाँ से आए हो. नंबर थ्री वो डैश पाउला. पाउला किसी का नाम है और सिंगुलर है, तो अब वोन एंड वॉन्ट और वॉन्ट में से कौन सी ऑप्शन आएगी. वोन एंड तब आ सकता था अगर एक से ज्यादा लोग होते, या हम जी में बात कर रहे होते वो वोन एंड जी. वॉन्ट हम तब यूज करते अगर यहाँ पे डू आ रहा होता, यानी पौला की जगह डू होता तो हम कहते वो वॉन्ट्स डू. यहाँ पे चूंकि नाम है तो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, हमें वॉन्ट कहना पड़ेगा, वो वॉन्ट पौला. नंबर फिया लारा और अने डैश येट्स्ट इंग्लिश. लैरने लैंड या लैरनन. लैरने हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारा सब्जेक्ट इश हो, जो कि नहीं है तो लैरने नहीं आ सकता. लैंड तब आता है अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी एक पर्सन का नाम हो. यहाँ पे एक से ज्यादा नाम है और जब दो सब्जेक्ट बन जाएंगे तो फिर ये हमारा सब्जेक्ट समझने के प्लूरल हो गया. अब प्लूरल वाला वर्ब हम यूज करेंगे लर्नर. नेक्स्ट नंबर फ्यून जी डू ओडर इया. वेल्शे स्प्राकन स्प्रिस्ट. स्प्रिस्ट के एंड पे जो एस टी है ये इशारा दे रहा है कि हमारा हम डू में बात कर रहे हैं, इस वजह से जी या ईयर नहीं आ सकते, डू आएगा. फर्ज करें यहाँ हम जी लाना चाहें तो फिर एक्सप्रेशन में तब्दीली करनी होगी, फिर यहाँ पे स्प्रिस नहीं होगा बल्कि एक्सप्रेशन फुल फॉर्म में वर्ब आ जाएगा. और अगर हम ईयर यूज करना चाहें तो फिर स्प्रिस जो है ये स्प्रेस्ट बन जाएगा, एस पी आर ई सी एच टी स्प्रेस्ट. नंबर सिक्स थानसन थानसे और थानस्ट. और यहाँ पे हम किससे बात कर रहे हैं, हम जी में बात नहीं कर रहे, हम डू में बात नहीं कर रहे, हम ईयर में बात कर रहे हैं. तो ईयर में हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ टी यूज करते हैं.
जैसे टांसन था, ई एन हटा के हमने टी लगाना होता है और ये हमें मिल रहा है यहाँ पे थर्ड में, तो हम कहेंगे ठांस्ट या गैर। नंबर सेवन, ए आर वी और ई आर, स्पीलन गैर फुसबॉल। अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है क्या आएगा, और हम ये कैसे बता सकते हैं, इसमें हमें हेल्प कर रहे हैं वर्ब्स। वर्ब बता रहा है कि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यानी किस सब्जेक्ट के मुताबिक ये कंजुगेट हुआ है। स्पीलन फुल फॉर्म में है, इसका मतलब एयर नहीं आ सकता, एयर नहीं आना होता तो यहाँ पे टी लगा होता, स्पील्ट, और एयर भी आता तो टी लगा होता। तो फुल फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट विया है, विया। नंबर आठ, वो है वी वेल्से, और क्वेश्चन क्या है, स्प्राखन एक्सप्रेशन जी। स्प्राखन लैंग्वेजेस को कहते हैं, एक्सप्रेशन बोलने को कहते हैं, और हम कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसमें हम जुबानों की भी बात कर रहे हैं और बोलने की भी बात कर रहे हैं। वो है स्प्राखन एक्सप्रेशन जी सूट नहीं करेगा, वो है के साथ खोमन आता है, आप कहाँ से हैं, आपका कहाँ से ताल्लुक है, तो वो हेयर तो यहाँ नहीं आ सकता। वी स्प्राखन एक्सप्रेशन जी का मतलब होगा आप कैसे जुबानें बोलते हैं, ये भी यहाँ सूट नहीं कर रहा। वेल्श स्प्राखन एक्सप्रेशन जी आना चाहिए, यानी आप कौन सी जुबानें बोलते हैं, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। ओके, ये इससे पहले आपको खुद से ये कर लेने चाहिए अटेम्प्ट, और फिर आप देख लीजिए कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। प्रागन क्वेश्चन है, अरगेंसेस 10, फेलेंडे वोल्ट, वर्ड वर्ड लव्स है, कौन सा वर्ड, फेलेंडे, फेलन कहते हैं मिसिंग को, जिसकी कमी हो, जो जो सामने ना हो, मिसिंग हो, तो यहाँ कोई ना कोई लफ्ज मिसिंग है और उन्हें छोड़ा हुआ है आपके लिए कि आप यहाँ पे गैस करके लिखेंगे। जैसे गुटन ठाग, वी हाइसन डैश, वी हाइसन डू नहीं हो सकता, वी हाइसन एयर नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है, वी हाइसन जी, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। इसी तरह कॉमन जी, अब वर्ब भी मौजूद है, जी भी मौजूद है, हमें क्या यहाँ पे क्या किस चीज की कमी है, कौन सा लफ्ज किस किस्म का आना चाहिए, कोई क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, तो कॉमन के साथ जैसे आपको पता है वो हेयर है, वो हेयर कॉमन सी। थर्ड में वोन एन जी, अब हम पूछ रहे हैं कि कहाँ रहते हैं, तो हमें कहना चाहिए वो वोन एन जी। डैश माखन जी गैरन, यानी आप शौक से करते हैं, हम यही कह सकते हैं कि क्या करते हैं, वस वस माखन जी गैर जी गैर म्यूजिक, यानी क्या आप शौक से म्यूजिक, अब म्यूजिक पे करते क्या है, कोई कोई वर्ब आना चाहिए, कोई एक्शन आना चाहिए, म्यूजिक सुना जा सकता है, आप अगर कहना चाहें कि क्या आप शौक से म्यूजिक सुनते हैं, तो यहाँ पे फिर वर्ब आ जाएगा ह्यूरन, ह्यूरन एच ओ एम लोट आर ई एन ह्यूरन। नेक्स्ट नंबर सिक्स, स्प्राखन एक्सप्रेशन जी वही है, वेल्श स्प्राखन एक्सप्रेशन जी, आप कौन से जुबानी बोलते हैं, जैसे अभी ऊपर आया था। डैश जी डॉयच, डैश जी डॉयच में तीन तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप जर्मन बोलते हैं, डू यू स्पीक जर्मन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन सी डॉयच। और अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप जर्मन सीख रहे हैं, सीखते हैं, तो फिर हम लर्नन भी कर सकते हैं, लर्नन सी डॉयच। डैश सी गैर टेनिस, क्या आप शौक से टेनिस, और टेनिस को क्या किया जाता है, खेला जाता है, तो खेलने के लिए जो वर्ब है वो हमें चाहिए, और वो है स्पीलन, स्पीलन सी गैर टेनिस, क्या आप शौक से टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आईने पेरजोन बेशराइबन, बेशराइबन कहते हैं डिस्क्राइब करने को, बयान करने को, हमने किसी पर्सन को, एक पर्सन को डिस्क्राइब करना है। बिल्डन सी जेद से जुमले बनाने हैं, अख्तन सी ऑफ दिस वर्ब, वर्ब का ख्याल रखना है, बाई स्पील एग्जाम्पल है हमारे पास ऑफ स्वीडन विक्टोरिया कॉमन। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, विक्टोरिया किसी का नाम है वो रखेंगे, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, और वर्ब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्फिनिटिव फॉर्म में है, हमने उसको कंजुगेट करना है, सब्जेक्ट के मुताबिक हमने टी लगा देना है।
और फिर बाकी इंफॉर्मेशन लगा दी, हमारा प्रॉपर सेंटेंस बन गया विक्टोरिया काउंट ऑफ स्वीडन इन स्टॉकहोम जी वोनन। स्टॉकहोम किसी जगह का नाम है, जी हमारा सब्जेक्ट है और वोनन हमारा वर्ब है। ओके, अगर तो जी से मुराद कोई फीमेल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फिर हम सिंपल कर देंगे जी वॉन्ट, टी लगा देंगे जी वॉन्ट इन स्टॉकहोम, वो स्टॉकहोम में रहती है। और अगर जी से मुराद हमारी एक से ज्यादा लोग हैं, दे की सेंस में यूज कर रहे हैं, तो फिर इसी तरह रहेगा जी वोनन इन स्टॉकहोम, दोनों ठीक है। लेकिन ज्यादा ये चांस है कि सिंगुलर है, किसी एक बंदे की बात हो रही है फीमेल की, तो सी वॉन्ट। ओके, बल्कि ये उसी की बात हो रही है विक्टोरिया की। देखिए पहला सेंटेंस विक्टोरिया के बारे में है कि उसका ताल्लुक स्वीडन से है और वो रह कहाँ रही है, और बाकी एक्टिविटीज नीचे आएंगी, तो जी से मुराद हम विक्टोरिया ही लेंगे सी। जी स्वेडिश एंग्लिश उन्डोइच एक्सप्रेशन, इसमें फिर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट जी है, सबसे पहले जी लिखेंगे, फिर हमें वर्ब चाहिए, वर्ब एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जब आएगा जी के साथ तो ये एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, ये स्प्रिस्ट बन जाएगा, यानी ई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्रिस्ट। सेंटेंस बना जी स्प्रिस्ट स्वेडिश एंग्लिश और डोइच, तीनों जुबानें हमने मेंशन की, ये जुबानें वो बोलती है। विक्टोरिया गैन फोटोग्राफीरन, अब सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन में हमारे पास मौजूद है विक्टोरिया के नाम से, हमने विक्टोरिया लिखा विक्टोरिया। अब हमें वर्ब चाहिए क्योंकि वर्ब की सेकंड पोजीशन होती है, वर्ब यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म में है, हमने इसको कंजुगेट करना है सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही शी इट अगर हो, एयर जी एस हो या किसी का नाम हो, तो फिर हम टी लगा देते हैं, फोटोग्राफियरन कन्वर्ट कर देंगे फोटोग्राफियट में, ई एन हटा के टी लगा देंगे, विक्टोरिया फोटोग्राफियट गैर, शौक से फोटोग्राफी करती है। लास्ट है लैर्नन फ्रांसोजिश जी येट्स्ट, येट्स्ट नाउ इस वक्त, इन दिनों आजकल अभी, और हमने कहना है कि आजकल वो फ्रेंच सीख रही है, तो फिर हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे जी, जी लैर्नन जी के साथ आएगा तो टी हमने लगाना है, जी लैंड फ्रांसोजिश येट्स्ट, और आप चाहें तो येट्स को शुरू में ले आए, क्योंकि वक्त को हम जर्मन में शुरू में ले आते हैं, कोई वक्त हो, कोई टाइम हो, कोई महीना हो, दिन हो, साल हो, जमाने की बात हो, तो फिर हम टाइम को शुरू में ले आते हैं, तो हम चाहें तो येट्स को शुरू में ला सकते हैं, यानी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा येट्स्ट से, और फर्स्ट पोजीशन जो कि येट्स ने ले ली है, अब हमें फिर वर्ब चाहिए, वर्ब है लर्नन, तो ये बन गया येट्स्ट लैंड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा जी फ्रांसियोजिश, येट्स्ट लैंड जी फ्रांसियोजिश। आज 10 बार जैटिन नंबर जैक्सन स्वासिस, दिस वाज पेज नंबर 26 और 10 इज आलस फॉर हुई थी।